गुड मॉर्निंग बेटा। बेटा दफ्तरी पत्र करांगे, थोड़ा वेडनेसडे टेस्ट भी है। दफ्तरी पत्र, तीजी पत्र ते थर्ड एड़ा पाग मुहावरे सारे। दफ्तरी पत्र की होंगे, दफ्तरी पत्र बेटा वो होंगे जेड़े असी किसी भी अधिकारी नू, सरकारी गवर्नमेंट के अधिकारी नू या निजी कंपनी के अधिकारी लिखते हैं प्राइवेट सैक्टर। ये बेटा स्कूल दे प्रिंसिपल नू, नगर निगम नू, अखबार दे संपादक नू, ठीक है। दफ्तरी पत्र केड़े केड़े पत्र आते हैं, अखबार दे संपादक वाले तुहाडे सिलेबस दे विच मेंशन है। दो तरह के पत्र, एक है दफ्तरी पत्र, दूसरा है निजी पत्र। दफ्तरी पत्र जिदे भी नगर निगम वाले, अखबार दे संपादक वाले, ते थर्ड है स्कूल दे किसी भी अधिकारी नू, प्रिंसिपल। सेकंड है निजी पत्र, निजी पत्र होंगे पर रिश्तेदार, मित्र, दोस्त, माता पिता लिखते हैं। आप अज पहला दफ्तरी पत्र करांगे। दफ्तरी पत्र दी पहला आप करांगे लैटर, अखबार दे संपादक नू पत्र, अखबार दे संपादक नू पत्र दा फॉर्मेट, फॉर्मेट नू आपां पंजाबी विच रूपरेखा कहने आ, रूपरेखा। रूपरेखा दा ढांचा इक्को ही गल, सब तो पहला राइट साइड ते असी अपना पता लिखते हैं ना, भेज रहा है। एग्जाम की दृष्टि तो, इम्तिहान की दृष्टि तो असी अपना पता ना लिख के थान ते लिखते हैं प्रीख्या भवन। राइट साइड ते लैटर का फॉर्मेट तुहानू बनाना आ जाए। समझो बेटा, सब तो पहला जो भी तुहानू कोई दफ्तरी पत्र आए, कोई भी फॉर्मेट किस तरह तुसी बनाना है, खुद भी बना सकते हो। सब तो पहला भेजन वाले का पता, जो पत्र लिख रहा है ओहदे लई असी अपना पता ना लिख के ओहदे थां ते प्रीख्या भवन यानी कि एग्जामीनेशन हॉल, कोमा डैश डैश केंद्र। केंद्र का मीनिंग है सेंटर, भाव कि जिस सेंटर दे विच बैठ के असी एग्जाम दे रहे हां, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 10th क्लास दे पेपर जिवें अपने स्कूल ही होंदे, कईआं दे बाहर होंदे, ठीक है। भाव कि जिस सेंटर दे विच बैठ के पेपर दिंदे आ आपां डैश डैश केंद्र नूं सेंटर कहिंदे आ, ठीक है। उस तों बाद डैश डैश शहर, जिस शहर दे विच उह सेंटर बनिआ है, ठीक है। डैश डैश शहर, शहर का नाम ही लिखना। नेक्स्ट लाइन ते राइट साइड ते मिति, मिति बेटा आपां नंबरिंग विच ना पा के पूरी प्रॉपर पंजाबी लिखनी है। 8 नवंबर कोमा 2021 फुल स्टॉप। उस तो बाद बेटा असी लेफ्ट साइड ते कोई लाइन नहीं छोड़नी, लेफ्ट साइड ते जिन्हों असी पत्र लिखना है। मैं नाल नाल तुहानू समझा भी रही हां फॉर्मेट किस तरह बनाईदा, किस तरह बनाना होंदा है, ठीक है। इन नाइन स्टैंडर्ड तुहानू भी फॉर्मेट बनाना आना चाहिए। नेक्स्ट लाइन ते हमेशा फर्स्ट वर्ड सेवा विखे, वेट, सेवा विखे। उस तो बाद बेटा जिस अधिकारी नूं असी पत्र लिखना है, हुण आपां अखबार कोई भी हो सकदा सी, आपां इत्थे नेक्स्ट लाइन ते हमेशा सेवा विखे तो बाद अधिकारी दा नाम, जिस अधिकारी नूं पत्र लिखना, भाव कि हुण असी अखबार दे संपादक कर रहे हां ते अखबार दा अधिकारी कौन हुंदा, संपादक, ठीक है। जे स्कूल दा प्रिंसीपल आंदा, प्रिंसीपल सर, फॉर्मेट बनाना आना चाहिए। जे आपां नगर निगम नूं लिख रहे हां, नगर निगम दा मेयर साहब हुंदा है, ठीक है, फॉर्मेट आना चाहिए। अधिकारी नेक्स्ट लाइन दे अधिकारी का नाम कह रही हां, अधिकारी का नाम जो अधिकारी ना मेन संपादक है, तो आप लिखना है संपादक साहब, संपादक यानी कि एडिटर, ठीक है। जेड़ा अखबार जेड़ा कि छापदा है, अखबार नहीं
सेवा विखे तो नहीं, सेवा विखे लिख के कोमा नहीं पाना, नेक्स्ट लाइन से जिथे सेवा विखे खत्म होया उस तो बाद फिर असि लिखना है अखबार। ठीक है बेटा, एट तक आप डैश डैश अखबार पाते सी, पर नाइन दे टेन दे विच एग्जाम दे विच अखबार का उपर नेम आता है, मेंशन होता है। ठीक है, चेंज थोड़ा फॉर्मेट चेंज है। ठीक है, तुसी अखबार का नाम आप अजीत न्यूज पेपर जिम्मे जलंधर ची है पंजाबी अखबार लिखना है अजीत अखबार, क्योंकि आप एट विच था बेटा सिर्फ आप डैश डैश अखबार लिखते सी, पर नाइन से टेन दे थोड़ा फॉर्मेट थे अखबार का नेम मैंशन करना है, पंजाबी अखबार का नाम ही लिखना। ठीक है, अजीत अखबार फिर, क्योंकि सानू पता है अजीत न्यूज पेपर है और हाँ जी और जी की है बस जलंधर शहर के विच है। ठीक है, इस करके आप जलंधर का नेम लिखांगे। ठीक है, उस तो बाद असी जलंधर का शहर, क्योंकि जी अजीत न्यूज पेपर है साढ़े अपने शहर जलंधर के विच है, इस करके आप नेम लिखना है। ठीक है, एट तक आप नहीं लिखते, पर नाइन टेन बोर्ड वालों ही। ठीक है, उस तो बाद फिर उस तो बाद हमेशा जो भी दफ्तरी पत्र आ जाए हमेशा विशा ही लिखना है, निजी पत्र विच विशा नहीं लिखीदा। ठीक है, निजी पत्र विच याद रखना आप कदे भी विशा वर्ण, काफी सारे बच्चे कंफ्यूज होंगे निजी पता विशा आना कि नहीं आना, याद रखो चाहे लिख लो मेन पॉइंट। हाँ जेड़ा कुछ होंगे ही नहीं नहीं, उस तो बाद विशा जेड़ा भी पत्र भी होएगा। ठीक है, तो विषय विच याद रखना है कदे भी लास्ट वर्ड पत्र वर्ड लिखना नहीं, पत्र लिखना जिम्मे महंगाई की समस्या बारे वध रही आबादी बारे। ठीक है, कोई भी पत्र आके लास्ट पत्र वर्ड यूज करना। ठीक है, तो दफ्तरी पत्र के विच ही विशा लिखना है, निजी पत्र च नहीं, कोई भी दफ्तरी पत्र आए क्योंकि थोड़े सिलेबस दफ्तरी पत्र है, पर नेम नहीं तुम दिते हुए अगर एट स्टैंडर्ड तक तो होंगे सी ना कि नगर निगम नू पत्र या डायरेक्टर दूरदर्शन या प्रिंसीपल, पर हुण सी ना तुहाडा हैडिंग की है दफ्तरी पत्र, पहला तुहानू पता होना चाहिए दफ्तरी पत्र होंगे कि। ठीक है, जे पता होएगा तो ही तुम कर सकोगे, दफ्तरी पत्र तुम दस सकते कि होंगे। ठीक है, फिर वह फॉर्मेट किस तरह बनाना है। ठीक है, उस तो बाद फिर जिथे विशा लिखे है उस सेम लैफ्ट साइड से नैक्सट लाइन के श्रीमान जी कोमा। ठीक है, फिर बेटा श्री मान जी तो बाद जिथे श्री मान जी खत्म होया सेंटर दे विच सनीमर बेनती है कि नीचे ही। ठीक है, सेंटर दे विच ठीक है सनीमर बेनती है कि मैं डैश डैम मोहल्ले का विद्या डैश डैम मोहल्ले का निवासी हाँ निवासी हाँ। फिर बेटा जो भी तुम अखबार के संपादक पत्र पॉइंट ध्यान देखो कि मैं थोड़े तो अगे फिर अखबार का नेम मेंशन करना है, जेड़ा नेम तुसी इत्थे लिखे है जे इत्थे अजीत अखबार लिखे है तो नैक्सट लाइन दे विच तुसी अजीत अखबार ही लिखना है। फिर की लिखोगे नैक्सट लाइन दे विच मैं तुहाडी लिखना मैं तुहाडी अजीत अखबार दा, जे तुसी इत्थे अखबार दा नाम लिखोगे कि मार्क्स कटे जांदे। ठीक है, नेम हुण इत्थे मेंशन करना है मैं तुहाडी अजीत अखबार दा रोजाना पाठक हाँ। ठीक है, उस तो बाद फिर तुम जी लैटर आई होगी बारे सिक्स सैवन लाइन। ठीक है, इस तरह लिख सकते हो ताड़ी अखबार हमेशा सच लिए लड़ती आई है, यह लाइन आम लिख सकते हो या ताड़ी अखबार भी हमेशा सच छपता आया है। ठीक है, नहीं बेटा अगर जी भी लैटर आएगी बारे सिक्स सैवन लाइन लास्ट वे लाइन हैडिंग चेंज कर पैरा चेंज करना। मैनू उम्मीद है तुहाडी अखबार हमेशा सच लई लड़दी आई है या तुहाडी अखबार भी हमेशा सच छपदा आया है।
नहीं नहीं नेक्स्ट लाइन लिख दो। मैं ए वाले सेवा विकल्प बाद जिथे खत्म होता है विखे बस। मैनू उम्मीद है पहला चेंज करना है फिर मैनू उम्मीद है कि पहला चेंज करके नहीं नहीं पहला चेंज करना है तुसी मेरे विचारां नू अपनी अखबार भी जू छापोगे तुसी मेरे विचारां नू हाँ तुसी मेरे विचारां नू अपनी अखबार विच ठीक है फिर बेटा जिथे लैटर खत्म हो गई है नेक्स्ट लाइन ते सेंटर दे विच जिथे लैटर खत्म हो गई सेंटर दे विच धन्यवाद धन्यवाद तो बाद पूर्ण विराम चिन्ह सेंटर दे विच जेड़ी मर्जी दफ्तरी पत्र आए उस तो बाद फिर बेटा राइट साइड ते आप जी का विश्वास पत्र नहीं सेंटर लिखना सेंटर दे विच सेंटर दे विच नेक्स्ट लाइन सेंटर दे विच आप जी का विश्वास नहीं नहीं कोमा हाँ फिर डैश नाम कोमा नेम नहीं लिखना अपना ठीक है डैश पता पूरा विराम चिन्ह लिखना ही नहीं इम्तिहान की दृष्टि तो एग्जाम तो आप अपना नेम मेंशन ही करते ना ही पता ठीक है ए सी अखबार सेंटर ए सी अखबार के संपादक नु पत्र दा फॉर्मेट ठीक है जेडी मर्जी नहीं मिशा एसी बेटा अखबार दे संपादक नु पत्र दा फॉर्मेट ठीक है जी अखबार दे संपादक में कोई भी लेटर है लेटर दे नेम नोट कर लो लेटर दे नेम नोट करो अखबार दे संपादक नु पत्र नेम नोट लेटर दे नाम नोट करो फर्स्ट है वध रही आवाजाही दी समस्या बारे पत्र मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आवाजाही मतलब होता है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट अखबार दे संपादक नू वध रही आवाजाही दी समस्या बारे पत्र मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सड़कां ते काफी रश हो जाता है सेकंड मैं बोल देनी हां बोल देनी बेटा अखबार दे संपादक नु पत्र सेकंड लिखो वध रहे प्रदूषण दी समस्या बारे वध रहे प्रदूषण दी समस्या बारे नेक्स्ट है नेक्स्ट लेटर लिखो अखबार दे संपादक नू सोका ते हड़ पीड़े लिख रही है ना दसती है बेटा सोका विधि है ड्रॉट ड्रॉट जो जिस साल बिल्कुल ही बारिश बारिश ना पवे ठीक है जिस साल किसी जगह ते बिल्कुल बारिश ना पवे
ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਸੋਕਾ ਤੇ ਹੜ ਪੀੜਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪੀਲ। ਸੋਕਾ ਤੇ ਕੁਲ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਫਸਲਾਂ ਸੁੱਕ ਗਈਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਖਾਣ ਲਈ ਅਨਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰੋ, ਚਾਹੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ, ਚਾਹੇ ਭੋਜਨ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ, ਚਾਹੇ ਅੰਨ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ। ਸੈਕਿੰਡ ਮੈਂ ਹਰ ਵਰਡ ਲਿਖਿਆ, ਹਰ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜਿਸ ਸਾਲ ਫਲੱਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਈ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਫਸਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ, ਘਰ ਟਹਿ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰੋ ਕਿ ਚਾਹੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ, ਚਾਹੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਕੇ, ਚਾਹੇ ਮਨੀ ਦੇ ਕੇ, ਚਾਹੇ ਖਾਣਾ ਦੇ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਫਿਰ ਤੋਂ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਵਸਾ ਸਕਣ। ਸੋਕਾ ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਵੀ ਆਸਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਲੈਟਰ ਲਿਖੋ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਵਰਗੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਦਿਓ। ਕਰੋਨਾ ਵਰਗੀ ਹਾਂ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਕਰੋਨਾ ਵਰਗੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸੁਝਾਅ। ਕਰੋਨਾ ਵਰਗੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸੁਝਾਅ। ਹਾਂ ਸੁਝਾਅ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਏਟਥ ਚ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋ ਗਈ, ਮਿਲਾਵਟ ਹੋ ਗਈ, ਨਹੀਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋ ਗਈ, ਮਿਲਾਵਟ ਹੋ ਗਈ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਗਈ, ਹਾਂ ਚੋਰੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਬਾਰੇ ਵੱਧ ਰਹੀ, ਚੋਰੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਏਟਥ ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਦਫਤਰੀ ਪੱਤਰ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇ ਸੇਮ ਰਹੇਗਾ, ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਉਣਾ ਲਿਖਵਾਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਐਡਰੈਸ ਸੇਮ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਭੇਜਣ ਵਾਲਾ ਐਡਰੈਸ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਭੇਜਣੇ ਆ ਉਹਦਾ ਹੀ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗਾ ਨਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕਰਾਂਗੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਪੱਤਰ, ਫਿਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਆਪਾਂ ਸੇਵਾ ਵਿਖੇ ਲਿਖ ਲਿਆ, ਉਹਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਾਰੇ ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਅੱਗੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਫਿਰ ਸੇਮ ਸ਼ਹਿਰ ਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿਸ਼ਾ, ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਸੇਮ। ਉਹ ਮੈਂ ਲਿਖੋ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਗਲਾ ਲਿਖੋ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਪੱਤਰ। ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਸੇਮ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੈਟ ਸੇਮ ਲਿਖਿਆ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸੇਵਾ ਵਿਖੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਬੇਟਾ ਸੇਵਾ ਵਿਖੇ ਜਿੱਥੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ। ਮੰਮੇ ਨੂੰ ਲਾ ਐੜਾ ਦਾਦਾ, ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਲਿਖ ਨੀ ਰਹੀ, ਸੇਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਲੈਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਹਾਂ ਠੀਕ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਹੈਡ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਹੈਡ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਿਊਨਸੀਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੇਟਾ ਬੋਲਿਆ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਦਫਤਰੀ ਪੱਤਰ ਆਣਾ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਵਾਲਾ ਸੇਮ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਭਵਨ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖਿਆ ਨੀ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਭਵਨ ਕੋਮਾ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਲਓ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਭਵਨ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਹਿਰ ਮਿਤੀ। ਬੇਟਾ ਕੇਂਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਐਡਰੈਸ ਲਿਖਣਾ ਹੈ,
केंद्र जसी जिस सेंटर बह के पेपर दे रहे एग्जाम दे रहे हैं कहते हैं ओनू चेंज थोड़ी करना है कुछ चेंज नहीं करना। उस डैश डैश शहर है हाँ डैश डैश शहर उस बाद सेम विषय विषय बाद श्रीमान जी बेटा पता ही अधिकार का नाम अखबार वाला है ही नहीं बेटा इधर वाला कह रही है सेम बाकी लास्ट वाला नहीं बेटा सिर्फ जलंधर ता लिखे क्योंकि जीत न्यूज पेपर जलंधर च है ते वो पिछो ही बोर्ड वाला ही मेंशन होता है। ठीक है नेक्स्ट है आप जी दा बेटा सारे पत्र दे फॉर्मेट लिखवावांगी ना आप जी दा विश्वास पत्र डैश डैश नाम डैश डैश लिखा दे पूरे भी नाम से सा से नगर निगम मोहल्ले दी सफाई बारे लिखो मोहल्ले दी सफाई बारे या बेटा अधिकारी का नाम तुम आप आना चाहिए ना हाँ तो आएगा हाँ हाँ ताई लिखवा रही अगे लिखो नगर नगर निगम नू सफाई कर्मचारी दी शिकायत संबंधी सफाई कर्मचारी दी शिकायत संबंधी तुम बेटा पता होना चाहिए नाइन स्टैंडर्ड दे दफ्तरी पता च केड़े केड़े आंदे है सफाई कर्मचारी दी शिकायत संबंधी नेक्स्ट है सड़का ते रोशनी दा प्रबंध ठीक ना उस संबंधी नहीं होनी है सड़का ते रोशनी दा प्रबंध ठीक उस संबंधी नहीं अगे लिखो और सड़का नू ठीक करवाने संबंधी हाँ सड़का नू ओ सफाई विच आ जाएगी बेटा सड़का नू हाँ ओही असी ओदी च आएगी ना सफाई वाली च आ जाएगी सड़का नू ठीक करवाने संबंधी बेटा सड़का नू ठीक करवाने संबंधी